हाँ भगवान दत्तात्रेय ने उस दिन कार्तिकेय को पूजन करवाया जो इसे पादुकाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, जिन पादुकाओं को आज के दिन कोई भी सिद्ध करके अपने घर में स्थापन करता है उसके घर में गुरु का वास होता है, और जो गुरु के चरणों में नमस्कार करता है, गुरु के चरणों में एक विशेष मंत्र से उसको नमस्कार करता है, उसके घर में जब गुरु पादुकाओं हो और गुरु प्रत्यक्ष हो तो उसके घर में किस प्रकार की कमी होती है, चाहे वो दशमाविद्या साधना करो या किसी भी साधना करो, गुरु का उसके ऊपर पूरी की कृपा होती ही होती है। मैं आज आपके सामने जो बैठा हूँ अपने आप को गुरु तो नहीं कहता, मैं प्रभुपुंज सद्गुरुदेव स्वामी विश्लेषण जी प्रभुपुंज सद्गुरुदेव जी के का शिष्य हूँ, और शिष्य के रूप में प्रभुपुंज सद्गुरुदेव जी ने मुझे उनकी स्वयं की पादुका पानीपत के गुरु पूर्णिमा में मिले थे दी थी, और आज 30 साल से मैं गुरुपद का सिद्धि दिवस मनाता हूँ निखिल चेता के लिए। आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ उन वो पादुकाएं मेरे घर में आज भी प्रतिष्ठित है। गुरु जी ने कहा था कि इन पादुकाओं को तो सर में सर पर रख के हैदराबाद जाना और तू इस पादुकाओं को घर में स्थापित करना। जिस दिन से गुरु पादुकाओं को घर में स्थापित किया हूँ आज तो मैं कहता हूँ आज निखिल चेतना केंद्र की स्थापना हुई। मेरा केवल निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करने का उद्देश्य नहीं था कि मैं गुरु बनूँ, मेरा उद्देश्य यह था कि वह गरीब साधक, क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से आया हूँ और घर में छोटे छोटे घर में हमें साधनाएं संपन्न करना होता नहीं, तब साधक को एक ऐसी जगह चाहिए। आज हम जंगल में जाते हैं तो लोग तांत्रिक नाम से बुलाते हैं, हम कहीं नदी के किनारे करते हैं तो ये मांत्रिक है कहते हैं, मंदिर में जाके बैठते हैं तो मंदिर में हकार देते हैं कि मंदिर का समय हो गया अब चले जाओ, घर में साधना करते हैं तो बच्चे पति पत्नी भाई पिता माता उनका भी विरोध चलते रहता है, वो साधना ठीक तरीके से कर ही नहीं सकता। तब उसके लिए कोई ना कोई ऐसा स्थल हो जो वहाँ साधना कर सके, उसको किसी प्रकार की अड़चन ना हो, ऐसा स्थल होना चाहिए। इसलिए मैंने गुरु चरणों में प्रार्थना की थी जब गुरु जी हैदराबाद आए कि गुरु जी मैं एक साधना स्थल बनाना चाहता हूँ जिसमें कोई भी साधक किसी प्रकार की भी साधना कर सके, ऐसा साधना स्थल हो, और गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था, उसी का प्रतिरूप है कि जो आपने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। वहाँ कोई भी साधक कभी भी किसी प्रकार की, आप एक ही बार निखिल चेतना केंद्र में प्रवेश कर गए आपको खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं, केवल आप आकर साधना कर लेकर जा सकते हैं, चाहे 5 दिन हो 10 दिन हो 1 महीना हो साल हो, आप साधना करके जैसे जो साधक है साधना के लिए ही मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की है, या गुरु बनने के लिए नहीं ना कोई गुरुपद प्राप्त करने के लिए नहीं। इस उद्देश्य से स्थापना करते हुए मैंने ये गुरु पादुकाओं की पूजा की है, उसके बाद मैंने दशमाहज्ञान की साधना की, बहुत सारी साधनाएं संपर्क की आज भी करता हूँ, और मैं आपको इतना जरूर वादा करता हूँ कि उन पादुकाओं की पूजन से जब पादुकाओं पर मैं ऐसा रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु मेरे सामने खड़े हुए हैं, और मैं गुरु से आशीर्वाद मांगता हूँ कि जितने भी लोग आश्रम आए आश्रम को आते हैं या आते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण करो प्रभु, वो किस साधना के ये यहाँ आते हैं या जो साधना करना चाहते हैं उनकी साधनाओं की उनको साधनाओं की सिद्धि प्रदान करो, कम से कम उनके जीवन में ऐसा तो कार्य करो कि उनके जीवन में कोई दुख ना हो। मैंने आज भी आपको ये बात कहता हूँ निखिल चेतना केंद्र स्थापित करके आज 22-23 साल हो गए, 23 सालों में भी गुरु जी की कृपा से सब साधक आए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बहुत ही बीमार हो गया, बहुत ही कारण किसी कारणवश उसने अपने प्राण त्याग दिए या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरी कल की अमावस्या के दिन जो ग्रहण की साधना हुई थी उस साधना में अचानक किसी को न पहचानते हुए रात के उस दिन अमावस्या थी, सूर्य ग्रहण था, और एक लड़का जो मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो परिवार में मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो पानी में डूब कर चला गया। मैंने गुरु से प्रार्थना की प्रभु ये क्या हुआ, तो उसने कहा गुरु जी ने कहा कि वह चाहता था कि मैं गुरु चरणों में अपने प्राण को त्याग दूं, क्योंकि उसके घर में हर दिन पिता से झगड़ा होता था, बाद में वो काम ऐसा हुआ कि गुरु कृपा से उन सारी चीज़ों को हुआ। मैं आज तक 22 साल में भी कहता हूँ केवल जितने भी साधक आए कोई ऐसा साधक होते हुए नहीं गया कि मैं बीमार हो गया मुझे कुछ अच्छा नहीं हुआ ऐसा कहकर कोई साधक आज तक नहीं गया, और यह केवल गुरु कृपा है। हम घर में बैठते हैं तो कि चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हम घर में बैठते हैं तो हमारे से वहाँ आने के बाद सारे लोग चिंताएं छोड़ते हैं, और आज 22 साल में गुरु जी को गुरु के बारे में मैं कहता हूँ जहाँ गुरुपाल का स्थापन हुई एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जहाँ
गुरु मंत्र रोज नित्य ना होता हो, कम से कम कुछ भी हो 50 से 51 माला गुरु मंत्र जब नित्य गुरु के चेतना केंद्र में होता ही है, और वो गुरु मंत्र ही आज के चेतना केंद्र को चला रहा है। नित्य वहां साझा गाकर अपने अपने हिसाब से 10 और 15 कोई 51 माला करता है, कोई 100 माला करता है, कोई 1000 माला करता है, और वह गुरु मंत्र निखिल चेतना केंद्र को चैतन्यवान बनाए हुए हैं, और इसका इसकी महिमा केवल गुरु पादुकाओं से गुरुकृपा से प्राप्त होती है। जिस घर में गुरु पादुकाएं स्थापित हुई आज के दिन सिद्ध करके जिसने अपने घर में गुरु पादुकाओं की स्थापना किया वही संसार में अपने गुरु को घर में स्थापित करने वाला कहलाएगा, क्योंकि हम साक्षात सशरीर गुरु को स्थापित करके हम नहीं देख सकते, लेकिन गुरु पादुकाओं को जैसे भगवान दत्तात्रेय ने कहा था वैसे ही हम अपने गुरु पादुकाओं को घर में रखकर गुरु जी का साक्षात अनुभव हमारे घर में कर सकते हैं। यह पहले दिन मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान दत्तात्रेय ने अपनी पादुकाओं को देकर कार्तिकेय जी को गुरु पादुकाओं का महत्व बतलाया था और कहा था कि जो इस मंत्र को आज के दिन करके गुरु पादुका स्थापन करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, और वह जो भी साधना करता है उसमें सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती है। जिसके घर में गुरु पादुकाएं हैं हम देखते हैं हर एक के घर में, मेरे पास बहुत समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, गुरु जी हमारे घर में पत्नी भाग नहीं सुनती, पत्नी छोड़ दी जाती है, पति पिता है घर में, बच्चा नहीं सुनता, बच्चों को नौकरी नहीं लगी, धन नहीं, अभाव है, वो है, लेकिन ये सब के होते हुए भी अगर एक का संसार सुखमय हो, प्रेममय हो, पति पत्नी प्रेम के साथ रहते हो, बच्चे प्रेम के साथ घर में आने के बाद उसे घर में रहने की इच्छा हो, ऐसा तभी हो सकता है जिस घर में गुरु पादुका स्थापित हो। आज मेरा घर भी है, मेरा घर में मैं 6 भाइयों के साथ उनकी पत्नियाँ बच्चों के साथ मैं रहता हूँ, और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ उन गुरु पादुकाओं की स्थापना के बाद मेरे घर से कोई ऐसा दुखी व्यक्ति कहीं नहीं रहता, हम सब आनंद के साथ रहते हैं, और ये कहो ये महिमा है तो गुरु पादुकाओं की महिमा है। और जिस गुरु पादुकाओं के कारण मैंने घर स्थापित किया हमारे घर में मन मुटाव नहीं होता, होता ही तक्षण घर के लिए होता है, लेकिन फिर सब लोग मिलकर आनंद के साथ खाना खाते हैं, आनंद के साथ रहते हैं, और यह गुरु पादुकाओं की श्रेष्ठता। आज इस महामाया मंदिर के क्षेत्र में हम आए इस क्षेत्र की यहाँ शिविर करने की का श्रेय मैं दिनेश दीवान को देता हूँ, जो अपने बलबूते पर, मैंने उनको एक बार कहते कहते कहा था शिविर करना है तो अपने बलबूते पर करो, किसी के पर आधारित होकर मत करो, और उन्होंने आज ये इतिहास रचा है जो अपने बलबूते पर उनको शिविर किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें आशीर्वाद देता हूँ ऐसे भी शिविर और भी करें, और उनको इससे भी ज़्यादा धन ऐश्वर्य आरोग्य उनके सारे परिवार को, उनके भाई बंधुओं को, माता पिता को, ये सारी चीज़ें प्राप्त हों, उनका यह कार्य उनके परिवारजनों को जो भी उनको इसमें सहायता किए उन सभी को भी यह महामाया का क्षेत्र उन्हें महामाया उनकी कृपा करें। मैं यहाँ के बहुत सारे साधकों को, यहाँ बहुत सारे लोगों को, इवन दीवान को भी पूछा कि ये महामाया की क्षेत्र की महिमा क्या है, तो सभी लोगों ने यही कह के सुनाया मेरे को कि गुरुजी महामाया थी, यहाँ का राजा था, उस राजा के सपने में आई और वो जंगल में थी, और महामाया ने उनको कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ, मैं यहाँ हूँ, और राजा ने उस महामाया के विग्रह को बाहर निकाला और यह मंदिर बांध दिया। लेकिन उससे पूर्व क्या हुआ, कैसे महामाया यहाँ जमीन में आई, इसके बारे में वो बताने के लिए सभी को पूछ के देखा कि इस क्षेत्र की महिमा क्या है। तो अब आगे इसी महिमा के क्षेत्र का मैं आपको इसके बारे में बतलाता हूँ, जो भागवत में और देवी भागवत में पद्म पुराण में इसके एक छोटी सी कहानी आती है। अम्बरीश नाम के एक राजा हुए जो आज के महाराष्ट्र वाराणसी नाम के तालुक में रहते, वहां राजा थे, और अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत किया करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट एकादशी करते थे, 12 बजने से पहले द्वादशी के दिन अपन खाना खाकर एकादशी का पूर्ण उपवास करते, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपना दिनचर्या हर महीने की एकादशी किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि अत्रि महर्षि के पुत्र दुर्वासा महर्षि उनके घर आए जब वो एकादशी का व्रत कर रहे थे, दूसरे दिन द्वादशी थी, तो अपने घर में अतिथि आया है तो अतिथि को बिना भोजन के हम भोजन कर लेना ठीक नहीं है, यह जानकर दुर्वासा महामन ने कहा कि आज द्वादशी है, मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा
मैं अभी तीर्थ स्थान पे जाकर संध्या वंदन आदि करते हुए मेरी रोज नित्य का अनुष्ठान करके मैं यहाँ आता हूँ, तब तक तो सब शीघ्र ही सब करके रखना, खाने की तैयारी करके रखना, मैं खाना खाने के लिए आता हूँ। पाप बिचारे अम्बरीश महर्षि जो एकादशी के उत्तम व्रति थे, और एकादशी में कहा जाता है कि द्वादशी के दिन मध्यान्ह 12 बजे से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, तभी एकादशी का फल मिलता है। अब देख ये रहे थे कि 12 बजने को आ रहे हैं, एक 10 पल का समय है और दुर्वासा मामूली नहीं आया। अतिथि की बिना पूजा के अगर हम खाना खाते हैं तो वो पाप लगता है, और अतिथि का अब नहीं पूजा करते हैं तो द्वादशी जाती है, एकादशी का फल चले जाता है। अब क्या करें, तो उन्हें उस 5 से 10 पल थे तो उसमें उन्होंने ठीक है खाना खाया या न खाया इसके लिए कुछ ये नहीं होता, आज तुलसी के पान पर पत्ता रखकर पानी पी लेता हूँ, जो द्वादशी छोड़ने का भी व्रत होता है वैसे ही वैसे द्वादशी करने का भी व्रत होता है। तो उन्होंने जैसा ही तुलसी का पानी डाला और पानी पी दुर्वासा मामूली आ गया। बोले तो क्या कर रहा है, उसने कहा स्वामी जी 12 बज रहे थे और द्वादशी आपको पता है, अगर उससे पहले द्वादशी छोड़ देते हैं द्वादशी चली जाएगी, इसलिए केवल जल पिया हूँ। तू अतिथि के रहने के बाद मेरे आने के बाद भी तूने ये बात कही कि तू द्वादशी छोड़ता है, तो अतिथि का तिरस्कार करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। डर गए अम्बरीश महामुनि, उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ, मैं तो केवल पानी ही पी रहा था, उन्होंने ऐसा क्या किया कि मेरे ऊपर श्राप देने के लिए भागते हुए आए। और दुर्वासा ने कहा आज देखता हूँ तुझे कौन रक्षा करता है, और उन्होंने अपने बल से महामाया का आह्वान किया और उनको उनके ऊपर छोड़ दिया। अम्बरीश देख तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा।